Good morning, students. Yesterday, we have discussed the topic chemical properties of bases and discussed some blueprint questions. Next topic of this chapter is strong acid and weak acids. Strong acids. वीक एसिड्स एज आई हैव टोल्ड यू दैट एसिड्स आर दो सबस्टांसिस विच डिसोशियेट इन वॉटर टू गिव एच पॉजिटिव आई स्ट्रोंग एसिड्स कौन से होते हैं जो कंप्लीट डिसोशिएट कर जाते हैं कम्प्लीट डिसोशिएट्स इन टू आइंस और वीक एसिड्स आर दो सबस्टांसिस विच टू नोट कम्प्लीट डिसो मतलब उनकी पार्शियल डिसोशिएशन होती है पार्शियलीसोशिएट टू गिव बट बोथ विल गिव एच पॉजिटिव आइन इन वोटर इट विल कंप्लीटली डिसोशियेट एंड इट विल पार्शियली डिसोशिएट अब इसमें स्ट्रोंग एसिड्स कौन कौन से आएंगे फॉर एग्जाम्पल एच सी एल एच टू एस ओ फोर एच एन ओ थ्री दिस इज हाइड्रोजन क्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड एंड सेम पार्शली जो डिसोशिएट करेंगे वीक एसिड्स जो होंगे वो कौन कौन से होंगे एसिटिक एसिड सी एच थ्री सी एच फॉर्मिक एसिड एच सी ओ एच एंड कार्बोनिक एसिड दैट इज एच टू सी ओ थ्री दिस इज कार्बोनिक एसिड नेक्स्ट है अब ये स्ट्रोंग एसिड वीक एसिड सेम हमारे पास आएगा स्ट्रोंग बेस एंड वीक बेस स्ट्रोंग बेस एंड वीक बेस सेम जैसे यहाँ पे जो ये कंप्लीट डिसोसिएशन हो रही है यहाँ पे एच पॉजिटिव आयन रिलीज हो रहे हैं सेम स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होगा कौन से आयन रिलीज होंगे ओ एच नेगेटिव आइंस और मतलब यहाँ पे भी पार्शियल डिसोसिएशन कंप्लीट डिसोसिएशन होगी स्ट्रॉन्ग बेस में और यहां पे पार्शियल डिसोसिएशन होगी जहां पे जो वीक बेस है दे विल पार्शियली डिसोशियट इन टू वोटर टू रिलीज ओ एच नेगेटिव आइंस अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से आएंगे स्ट्रोंग बेस कौन कौन से हैं एन एच सोडियम हाइड्रोक्साइड के ओ एच पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड सेम इसमें जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज वीक बेस और साथ में अमोनियम हाइड्रोक्साइड दीज आर एग्जाम्पल ऑफ वीक बेस दीज आर स्ट्रोंग एसिड वीक एसिड एंड स्ट्रोंग बेसिस एंड वीक बेसिस जो कम्पलीटली डिसोशियेट हो जाते हैं दे आर कंप्लीट स्ट्रोंग एसिड एंड स्ट्रोंग बेस एंड जो पार्शली डिसोशियेट होते हैं दे आर वीक बेसिस एंड वीक नेक्स्ट है हमारे पास बेसिसिटी ऑफ एसिड्स वॉट इज बेसिसिटी ऑफ एसिड्स व्हाट इज बेसिसिटी मतलब किसी एसिड में कितने एच पॉजिटिव आयन जो हैं वो रिप्लेस हो रहे हैं दे आर रिप्लेबल और डिसोशिएट हो रहे हैं नंबर ऑफ एच पॉजिटिव आयन दैट आर रिप्लेसेबल और डिसोशिएट इन टू वॉटर दे आर दिस इज नोन एज बेसिसिटी ऑफ एसिड द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन In an acid. जो रिप्लेस हो रहे हैं हाइड्रोजन एटम किसी एसिड में जो प्रेजेंट है ठीक है जब उसको हम वॉटर में डिजोल्व करेंगे या फिर एक्वासोल्यूशन में और ये रिप्लेस ये रिलीज तब होंगे जब हम इनको वॉटर में एड करेंगे रिलीज तब होंगे जब इनको वॉटर में एड करेंगे बट रिप्लेस तब होंगे जब इसके साथ हम किसी बेस को रिएक्ट करेंगे और इनको हम करते हैं डिवाइड जैसे मोनोबेसिक मोनोबेसिक डाइबेसिक, ट्राइबेसिक एंड सोन so मतलब जिस एसिड में मतलब जिस एसिड में सिर्फ एक हाइड्रोजन है मोनो मतलब सिंगल जहां पे सिर्फ एक हाइड्रोजन है वो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे नंबर ऑफ हाइड्रोजन नहीं जो रिप्लेस हो रहे हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइन दैट आर रिप्लेस्ड अब जहां पे एक रिप्लेस हो रहा है दे आर मोनोबेसिक जहां पे दो रिप्लेस हो रहे हैं दे आर डाइबेसिक एंड सोन so जहां पे थ्री रिप्लेस हो रहे हैं वो ट्राइबेसिक अब फॉर एग्जाम्पल देखो जैसे एच सी एल प्लस एन ये जब किसके साथ और ये एक्वस होंगे दोनों दोनों मतलब वाटर में डिजोल्व करेंगे उसके बाद ये आपस में रिएक्ट करेंगे एच सी एल प्लस एन एच क्या बनेगा यहां पे एच टू ओ ठीक है देखो यहां पे सिर्फ एक हाइड्रोजन आयन जो है वो रिप्लेस हुआ है इसलिए इसका इसकी बेसिसिटी कितनी है ओनली वन ठीक है अब नेक्स्ट एक एग्जांपल और करते हैं जैसे ये है हमारे पास सी एच थ्री सी ओ ओ एच प्लस एन ए ओ एच ठीक है आप देखो यहां पे हाइड्रोजन कितने फोर हाइड्रोजन है बट रिप्लेस जो होगा वो सिर्फ कौन सा होगा यही वाला हाइड्रोजन ठीक है तो हम कौन से कर रहे हैं रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आइन जो सिर्फ रिप्लेस हो रहे हैं उन्हीं के बेसिस पे जो होती है वो बेसिसिटी होती है तो यहाँ पे सी एच थ्री सी प्लस एच टू ओ मतलब इसकी बेसिसिटी भी कितनी है वन ठीक है अब नेक्स्ट देखो जैसे एच टू एस ओ फोर प्लस एन एच यहां पे दो के दो हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाएंगे इसलिए इसकी बेसिसिटी कितनी आएगी टू आएगी क्या बनेगा यहाँ पे एन ए टू एस ओ फोर प्लस टू एच टू ओ ठीक है तो इसलिए इसकी बेसिसिटी भी कितनी है टू है सेम एसिडिटी ऑफ बेसिस करेंगे एसिडिटी ऑफ बेसिस मतलब नंबर ऑफ ओ एच नेगेटिव आयन जो रिप्लेस होंगे उनको हम क्या बोलेंगे एसिडिटी ऑफ बेसिस ठीक है फॉर एग्जाम्पल ये इसी का एग्जाम्पल कर सकते हो अब यहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो रिप्लेस करेगा तो इट मीन्स इसकी जो एसिडिटी है वो कितनी हुई वन यहाँ पे भी ठीक है एन्यवे anyway, जो है वो एक ही हाइड्रोक्सिल आयन को रिमूव करता है उसकी जो है एसिडिटी uh, वन है अब नेक्स्ट देखो जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे जो है टू ग्रुप से हाइड्रोक्सिल ग्रुप के तो इसका मतलब है इसकी एसिडिटी कितनी होगी टू अब जब ये मान लो ये करता है रिएक्ट एच के साथ तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस टू एच टू ठीक है इट मीन्स इसकी जो एसिडिटी है वो कितनी है टू है ठीक है नेक्स्ट टॉपिक है वट इज वट इज कॉमन इन एसिड एंड बेसिस ठीक है अब देखो हमें पता है जब एसिड जो है वो डिसोशिएट करते हैं वाटर में तो एच पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं और जो बेसिस हैं जब ये वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वो एच नेगेटिव आयन्स रिलीज करते हैं ठीक है मतलब इनमें कॉमन क्या है ये आयन्स ही फॉर्मेशन कर रहे हैं दोनों तो आयन्स क्या है ये चार्ज कैरियर हैं और जहाँ पे भी चार्ज मतलब जहाँ पे भी आयंस की फॉर्मेशन होती है हमें पता है दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब बोथ एसिड एंड बेसिस व्हेन डिजॉल्व इन वॉटर दे बिकम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हेंस बोथ आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो इसमें कॉमन क्या है दोनों में आयंस होंगे और दोनों ही कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को अब देखो इसमें एक एक्टिविटी है कि अगर तुम किसी बीकर में जो तुम जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हो जैसे जब किसी बीकर में तुम एसिड तुमने एट्थ में भी पढ़ा है कि जो एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं कडक्टिविटी कर को इंक्रीज करते हैं डिसोशिएशन में हेल्प करते हैं ये अगर हम किसी बीकर में एसिड लें और उसमें हम इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएं ठीक है और बल्ब को अटैच करें तो बल्ब क्या करता है ग्लो करने लग पड़ता है क्योंकि जो जो एसिड है वो क्या करते हैं उसमें चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं वो वाटर को और ज़्यादा कंडक्ट कर देता है कंडक्टिव कर देता है उसका नेचर और यहाँ पे जो होता है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना स्टार्ट कर देती है और वो बल्ब जो है वो ग्लो करना स्टार्ट कर देता है ठीक है नेक्स्ट टॉपिक है देखो नेक्स्ट टॉपिक है ये मैंने तुम्हें समझाना है इसके बेस पे बहुत से क्वेश्चन आते हैं ठीक है अब देखो जे इज़ द रोल ऑफ वाटर इन डिसोसिएशन ऑफ एसिड एंड वोटर अब देखो जब भी हम किसी एसिड और बेस को जब वॉटर में डिजोल्व करेंगे उसकी आयंस की फॉर्मेशन होगी भी वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे जब भी हम किसी एसिड में एसिड को वाटर में ऐड करेंगे ठीक है तभी वो जो है डिसोसिएट करेगा अदरवाइज इट कैन नॉट डिसोशिएट तभी वो डिसोशिएट करेगा और आयंस की फॉर्मेशन होगी अब मान लो जैसे एच है हमारे पास ये रूम टेम्परेचर पर क्या होता है एज अ गैस गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ठीक है एच जो है गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है अब जब एच गैस फॉर्म में है तो वो क्या वो कंडक्ट कर सकती है इलेक्ट्रिसिटी को उसके पास आयन्स ही नहीं है ठीक है ब्रेक डाउन ही नहीं करेगा डिसोशिएट नहीं करेगा तो फिर वो इलेक्ट्रिसिटी को कैसे कंडक्ट करेगा तो वो एच जब गैस फॉर्म में नहीं हो, होती है जब तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती है डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी क्यों क्योंकि यहां पे आयन भी नहीं बनेंगे बट जब हम इस गैस को पास करेंगे वाटर में ये क्या करेगा गुड कंडक्टर ये क्या बन गया गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या बन गया गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अब देखो होता क्या है होता क्या एक्चुअल में जैसे जब एक्सील जो है बनता कैसे पहले देखो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जो है आयंस ये कंबाइन करते हैं और इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है कोवलेंट बॉन्ड ये हम आगे डिस्कस करेंगे है हमारे चैप्टर में आगे ये कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है मैंने तुम्हें करवाया भी है वैसे ही नाइन्थ में करवाया तुम्हें बिटवीन एट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है ये कोवलेंट बॉन्ड बना एक के पास पॉजिटिव और एक के पास नेगेटिव ठीक है और सेम हमारे पास जो वोटर होता है वो किससे बना होता है H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन से ठीक है जब हम HCl को डिजोल्व करते हैं वोटर में HCl को डिजोल्व करेंगे हम वोटर में क्या होता है? जो इसका Cl नेगेटिव है ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और जो इसका एच पॉजिटिव है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है मतलब सीएल नेगेटिव है इसके चारों तरफ इसके एच पॉजिटिव आयन जो है वो आ जाते हैं और जो इसका ओ एच नेगेटिव आयन है उसके अराउंड में ये वाले एच पॉजिटिव आयन आ जाते हैं ठीक है तो ये एक दूसरे से क्या हो जाते हैं सेपरेट हो जाते हैं ठीक है इसके चारों तरफ कौन से हैं जो वॉटर के हैं आयन्स, और इसके चारों तरफ किसके हैं जो सीएल के साथ हाइड्रोजन है तो ये इन दोनों को सेपरेट करने में हेल्प करता है वोटर ठीक है डिसोशियट इन दो इन दोनों के बोंड को ब्रेक डाउन में करने में हेल्प करता है और एज पॉजिटिव आइन को इससे सेपरेट करता है और इस तरह से वोटर जो है इनकी डिसोशिएशन में हेल्प करता है जब भी ये डिसोशिएट होंगे तभी ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे ये सिर्फ तुमने टॉपिक समझना है ये मैं तुम्हें क्वेश्चन की फॉर्म में करवाऊंगी ये ठीक है थैंक यू स्टूडेंट्स हैव अ गुड डे